गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू मीथ कोचिंग सेंटर आज हम क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर प्लस वन क्लास का जो टॉपिक है सब्जेक्ट अकाउंट उसका जो टॉपिक है जर्नल चैप्टर का जो टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन कौन से चैप्टर में है जर्नल के अंदर है इसके अंदर हम क्या कैसे करेंगे वन एंट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे जिसके जिसके अंदर क्या होता है बैंकिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं जिसके साथ बैंक का लेन होता है और लेकिन जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है उनके अंदर जो रूल लगता है जो रूल लगेगा वो हमारे पहले वाले तीनों ही रूल होंगे गोल्डन रूल ही अप्लाई होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें बैंक की ट्रांजेक्शन करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फर्स्ट एंट्री दी हुई है बैंक बैंक कैश मैंने किस में डिपॉजिट कराया बैंक में अब बैंक क्या है रिसीवर है बैंक क्या है रिसीवर है और कैश मेरे हाथों से क्या गया है चला गया अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर यानी कि रिसीवर कौन है बैंक है इसीलिए डेबिट हो गया और गिवर कौन है कैश कौन सा अकाउंट है रियल अकाउंट रियल अकाउंट का रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है डेबिट वर्ड्स कम इन क्रेडिट वर्ड्स गोस आउट कैश मेरे हाथों से चला गया इसीलिए क्रेडिट हो गया कैश अकाउंट सेकेंड है यानी कि बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट कराया तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक देखो मेरे पास कैश मैंने क्या किया है बैंक से कैश को निकलवा लिया तो कैश मेरे पास आ गया इसीलिए डेबिट हो गया किसके थ्रू आया बैंक के थ्रू बैंक क्रेडिट हो गया नेक्स्ट सेम डेट कोई मेरा कस्टमर था जिसे मैंने गुड्स वगैरह बेचा था कुछ चीज बेची थी अपनी और वो मेरा क्या बन गया था कस्टमर बन गया था उस कस्टमर ने मुझे क्या कर एक चेक दे दिया और हमने उस चेक का क्या किया एक्सेट्रा रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर डिपोजिटेड इन टू द बैंक ऑन द सेम डेट जो चेक मेरे पास आया है मैंने उसे क्या कर दिया सेम डे के अंदर ही बैंक के अंदर जमा करवा दिया सेम डेट के अंदर ही मैंने क्या किया बैंक के अंदर चेक को जमा करवा दिया अब क्या होता है सेम डेट के, के अंदर एंट्री होती है ना तो हम क्या एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर बैंक्स वैसे तो देखा जाए तो सबसे पहले एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि भी चेक मेरे कस्टमर ने मुझे चेक दे दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी चेक इन हैंड टू तो कस्टमर आफ्टर मैंने बैंक में जमा कराया बट अगर ये सारी की सारी प्रोसेस सेम डेट के अंदर होती है, तो मैं एंट्री क्या करता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू तो कस्टमर नेक्स्ट वेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा आर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर आर सेंट टू बैंक टू बैंक नो सेंट नोट सेंड टू टू बैंक ऑन द सेम डेट जो जो कोई भी जैसे चेक वगैरह है मैंने रिसीव किया है कस्टमर से मैंने क्या नहीं किया सेम डेट के अंदर बैंक में जमा नहीं कराया तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी इसके अंदर दो इसकी एंट्री क्या होगी तो हो चेक इन हैंड टू कस्टमर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू तो कस्टमर मेरे हैंड में चेक आ गया किसके थ्रू आया है कस्टमर के थ्रू नेक्स्ट एंट्री है ऑन द डेट वेन अब अगले किसी दिन को जो मैंने चेक से जो मुझे चेक ऊपर वाला मिला था और उसे मैंने क्या नहीं किया था सेम डेट में बैंक में जमा नहीं करवाया उसे मैं अगली किसी डेट के अंदर बैंक के अंदर जमा करवा रहा हूं तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड टू चेक इन हैंड नेक्स्ट वेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपोजिटेड द अमाउंट इन अवर बैंक अकाउंट किसी कस्टमर ने सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डिपोजिट करा दिया तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर बैंक रिसीवर हो गया कस्टमर गिवर हो गया वेन ए चेक प्रीवियसली डिपोजिटेड इन टू बैंक इन बैंक इज कस्टमर से आया हुआ था ऊपर वाली एंट्री में वही क्या हो गया डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी इस एंट्री की रिवर्स हो जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक ठीक क्या एंट्री हो जाएगी जब मैंने चेक अब हम इसकी क्या करेंगे एक बार रिवीजन लेते हैं वेन कैश इज डिपोजिटेड इनटू द बैंक बैंक में मैंने क्या किया कैश डिपोजिट करा दिया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक रिसीवर हो गया और मेरे हाथ से कैश चला गया नेक्स्ट क्या है वेन बैंक कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक मैंने क्या किया कैश को

फोर्थ एंट्री क्या है अभी जो चेक वगैरह कस्टमर से रिसीव किया है सेम डेट में मैंने बैंक में जमा नहीं कराया तो इस केस के अंदर एंट्री क्या हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर बैंक की जगह क्या आ जाएगा सिर्फ चेक इन हैंड आ जाएगा क्योंकि कस्टमर ने मुझे क्या दे दिया चेक दे दिया और चेक इसके अंदर है मेरे हैंड के हैंड में है यानी कि मेरे पास है चेक इसीलिए मैंने एंट्री कर दी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर और जो ऊपर वाला चेक मुझे मिला था जो मैंने सेम डेट में बैंक में जमा नहीं करवाया था वो मैंने क्या कर दिया नेक्स्ट डेट में या अग, अगली कोई डेट के अंदर बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी जो चेक मेरे हैंड पे है जो चेक मेरे पास है वो बैंक में चला जाएगा बैंक रिसीवर हो गया और चेक इन हैंड क्या हो गया चला गया नेक्स्ट क्या है किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे खाते के अंदर पैसा डिपॉजिट करा दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर बैंक रिसीवर हो गया और कस्टमर क्या हो गया गिवर हो गया When into the bank, is जो, एंटर के जो बैंक में चेक डिपोजिट हुआ था वो क्या हो गया डिसोनर्ड हो गया, गया? गया. के के एंट्री थी वो रिवर्स होगी यानी कि हमने क्या है कस्टमर के कस्टमर से पैसा लेना हो गया और बैंक का क्या हो गया देना हो गया नेक्स्ट एट्थ एंट्री देखेंगे चेक इज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर एक कस्टमर से मैंने क्या किया एक चेक रिसीव किया और उसे हमने क्या दे दिया डिस्काउंट अलो कर दिया एंड इफ चेक इज डिपोजिटेड इन टू द बैंक सेम डेट सेम डेट के अंदर मैंने बैंक डिपोजिट कराया था पहले एंट्री क्या की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर बट अब हमने डिस्काउंट भी अलोड किया है बैंक जब मेरे पास चेक आया है तो मैंने कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया है फॉर एग्जाम्पल जैसे कस्टमर ने दस हजार रुपए देने थे और कस्टमर ने मुझे क्या दे दिए नाइन्टी सेवन हंड्रेड रुपए दे दिए और थ्री हंड्रेड का मैंने क्या कर दिया डिस्काउंट दे दिया यानी कि नाइनटी सेवन क्या आ जाएंगे मेरे बैंक में आ जाएंगे थ्री हंड्रेड का मैंने डिस्काउंट अलो किया है और डिस्काउंट अलो करना मेरे लिए क्या होता है एक्सपेंसिस कह लो या लॉस कह लो इसे ये लॉस हो गया मेरा इसीलिए क्या हो गया डेबिट हो गया नोमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसिज एंड लॉसिस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन टू कस्टमर थाउजेंड ये एंट्री होगी यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट लोड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेक्स्ट व्हेन पेमेंट इज मेड व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ए चेक मैंने किसी को पेमेंट दी है क्या करके चेक इशू करके मैंने पेमेंट किस तरीके से दी है किसी को चेक इशू करके जो है अगर उसका नाम ना दिया हो तो हम क्या लिखते हैं पर्सनल अकाउंट टू बैंक चेक मेरे हाथ से चला गया और कौन है लेने वाला जो भी पर्सन है नेक्स्ट वेन एक्सपेंसिस इज मेड बाय ए चेक जब मैंने कोई खर्चा चेक के थ्रू किया है एक्सपेंसेस लाइक सैलरी हो गया हो गया अदर तो एंट्री क्या हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चे डेबिट होते हैं टू बैंक नेक्स्ट बैंक मेरा कम हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया वेन कैश इज विद्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोपराइटर जब प्रोपराइटर विदड्रॉ करता है तो एंट्री क्या होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बट यहां से बैंक में से निकाल ले हैं यानी कि बैंक मेरा कम हो गया इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा बैंक आ जाएगा नेक्स्ट व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक बैंक ने मुझ पर इंटरेस्ट चार्ज किया है यानी कि मेरे लिए खर्चा हो गया इसीलिए डेबिट हो गया इंटरेस्ट इंटरेस्ट टू बैंक यहां पे बैंक क्यों हुआ है क्योंकि बैंक मेरे पास नहीं आता इंटरेस्ट लेने के लिए वो क्या करता है मेरे खाते में से ही मेरे अकाउंट में से कम कर देता है वेन इंटरेस्ट इज अ लोड बाय द बैंक बैंक ने क्या किया है इंटरेस्ट दिया है तो वो मेरे खाते में जमा कर देगा और जब जमा होंगे तो मेरे लिए इनकम है इनकम क्या हो जाएगी क्रेडिट टू इंटरेस्ट और यहां पर क्या आ जाएगा बैंक नेक्स्ट वैन बैंक चार्जेस बैंक हमें बहुत तरह की फैसिलिटीज देता है लाइक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या अदर ड्राफ्ट वगैरह की सर्विस दे देना है अदर कई तरीके की लोकर की फैसिलिटी दे देना तो वो उस पर कुछ चार्जेस लेता है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी चार्जेस लेगा तो इसका मतलब क्या है मेरा लॉस हो जाएगा मुझे खर्चा होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक ये भी वो मुझसे पर्सनली नहीं लेता वो मेरे खाते में से काट देता है इसीलिए बैंक कम हो जाएगा मेरा एक बार इसकी रिवीजन ले लेते हैं तो एंट्री क्या हुई थी लास्ट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक एक बार इसकी रिवीजन ले लेते हैं वेन ए चेक इज रिसीव फ्रॉम रिसमे कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलोड टू हिम एक कस्टमर ने मुझे चेक दिया तो और मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया डिस्काउंट दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर क्योंकि मैंने जो चेक मिला था वो मैंने सेम डेट में बैंक में जमा करवाया नेक्स्ट वेन पेमेंट इज मेड बाई इशू ए चेक मैंने पेमेंट की है जो इशू ऑफ चेक की है किसी पर्सन को मैंने पेमेंट कर दी जब उसका नाम नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट और बैंक मेरा कम हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया वेन एक्सपेंसिस इज मेड बाई इशू ए चेक जब मैंने कोई खर्चा ए, किसके, किसके थ्रू किया है बैंक के थ्रू किया है तो एंट्री क्या हो जाएगी एक्सपेंसिस डेबिट होते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लोसेज क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन और बैंक क्या हो गया मेरा कम हो गया अब मैंने क्या किया है इलेवेंथ एंट्री में ड्राॅइंग की है पर्सनल यूज के लिए लेकिन जो पैसा निकाला है वो बैंक से निकाला है यानी कि बैंक मेरा कम हो गया इसीलिए क्रेडिट हो गया ड्राॅइंग डेबिट होगी क्योंकि जब प्रोपराइटर पैसा निकालता है तो उसके लिए ड्रॉइंग वाडी यूज़ करते हैं वैन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज किया इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है इसीलिए डेबिट हो गया और बैंक मेरा कम हो गया इसलिए क्रेडिट हो गया वैन इंटरेस्ट इज लोड बाय द बैंक बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होगी इसलिए क्रेडिट हो गया और बैंक क्या हो गया डेबिट हो गया वैन बैंक चार्जेज सम अमाउंट फॉर द सर्विसिज रेंडेड बाय द बैंक बैंक ने मुझे कई तरह की सर्विसेज दी थी उसके लिए उसने मुझसे क्या किया है बैंक चार्जेस लिया है तो बैंक चार्जेज मेरे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट हो गया टू बैंक ये थी हमारा आज का टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो कंप्लीट हुआ अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल मीत कोचिंग सेंटर थैंक यू हैव ए नाइस डे